हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत और आप देख रहे हो चैनल U1। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा Realme U1 मोबाइल का ऐसे टॉप 3 फीचर्स की यूज़ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लीजिए ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट जो फीचर है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना मोबाइल का जो फोटो वीडियो होते हैं और किसी बार सॉन्ग फाइल हो सकता है, ठीक है, उसे आप कैसे छुपा सकते हो। तो चलिए, पहले गैलरी में जाना होगा हाइड करने के लिए, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए सिलेक्ट में क्लिक कर, मैं सिलेक्ट ये जो वीडियो है और ये जो फोटो है मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप क्या करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद प्लस साइन में क्लिक करना है, ऐड टू में, उसके बाद प्राइवेट से में करना होगा क्लिक। और ये तो देखिए दोस्तों, ये जो मेरा फोटो वीडियो था हाइड हो चुका है, तो आप कोई भी नहीं देखा देगा फाइल से या गैलरी में नहीं देखा। तो आप कैसे उसको वापस ला सकते हो, कहाँ पर है आपको दिखा देता हूँ। वापस लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि मोबाइल में आपका मोबाइल में जो सिक्योरिटी का ऑप्शन कहाँ पर है। सिक्योरिटी का ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको देखना होगा प्राइवेट सेफ का ऑप्शन कहाँ पर है, तो इसमें कर देना होगा क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको जो पासकोड है यहाँ पर डाल लेना होगा खोलने के लिए। और ये ब्लैक हो चुका है क्योंकि मेरा जो ये प्राइवेट सेफ है और ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसके लिए आप सुनते रहिए, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फोटोज़ और वीडियोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको करना होगा सिलेक्ट कर लेना होगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा सेट एस पब्लिक का ऑप्शन, यहाँ पर कर देने का क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आप इसको कहाँ पर वापस लाना चाहते हो, तो मैं कैमरा में कर देता हूँ। करने के बाद आपको चला जाएगा, तो ये हो चुका है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं गैलरी खोल लेता हूँ और गैलरी खोल लिया। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये जो मेरा फोटो था वीडियो वापस आ चुका है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड ऑप्शन और सेकेंड फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड फीचर यह है दोस्तों, आप फोटो वीडियो डिलीट करने के बाद भी वापस ला सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। कैसे, आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा फोटो है इसे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, को देखा तो डिलीट कर दिया, इसको भी कर दिया है डिलीट। तो आप कैसे मैं रिकवर कर सकते हो, आपको रिकवर करने के लिए वापस लाने के लिए आपको फोटोज में गैलरी में जाना होगा। गैलरी में आने के बाद आपको जाना पड़ेगा एल्बम्स में, यहाँ पर आपको देखना होगा कि रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, इसमें कर देना होगा क्लिक। और यहाँ पर आ चुका है, देखिए दोस्तों ये आ चुका है, तो सिलेक्ट कर लेना होगा सिलेक्ट, और इसको रिस्टोर में कर देना होगा क्लिक। रिस्टोर कर देता हूँ, तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ गैलरी में। देखिए गैलरी में ये जो मेरा फोटो वीडियो, ये जो मेरा फोटो था वापस आ चुका है। लेकिन एक जोड़ी बात है दोस्तों, ये सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही काम करेगा, क्योंकि आप जो फोटो वीडियो डिलीट करते हैं ये वापस 1 मंथ के अंदर ही आप उसे रिस्टोर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं थर्ड फीचर क्या है। थर्ड फीचर यह दोस्तों, आपका मोबाइल में किसी भी ऐप्स को चाहे आप सॉप जो ऐप होते हैं उसे आप कर सकते हो हाइड, आपको छुपा सकते हो। चलिए ये जो व्हाट्सएप है इसे छुपा कर दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी ऑप्शन में। चलिए सिक्योरिटी खोल लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो ये जो ऐप एनक्रिप्शन, यहाँ पर करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको पासकोड यहाँ पर डाल लेना होगा। पासकोड डालने के बाद आपको जाना पड़ेगा जो ऐप आप हाइड करना चाहते हो उसे ढूंढ लेना होगा। तो चलिए ये जो व्हाट्सएप है इसे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये ऑन कर देना होगा। तो ये ऑन हो चुका है, और ये हाइड होम स्क्रीन आइकन यहाँ पर भी क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर दिया, चलिए आपको देखा देता हूँ हाइड हुआ कि नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेरा व्हाट्सएप था वो हाइड हो चुका है। आप कैसे उसे खोल सकते हो आपको देखा देता हूँ। देखिए, आपको जाना पड़ेगा डायल पैड में, और डायल पैड में आने के बाद आपको जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो एक आपको जो पासकोड है वो सेट करना होगा। तो आप सेट कर लीजिए, और वो जो पासकोड है उसे भूलिएगा मत, उसे याद रखिएगा, उस काम आएगा, ठीक है। तो मैं मेरा पासकोड सेट करा है, पहले कर लिया, तो उसे डाल लेते हैं। तो देखिए, ये जो मेरा व्हाट्सएप था यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से मैं आसानी से, बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकूँ, लेकिन ये आपका मोबाइल में दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यह थर्ड ऑप्शन। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये बहुत ही यूजफुल भी होगा आप लोगों के लिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।